नालुआ डाक्तर को पाने देले नर्स बाट नपाई डाक्तर जोनांग काटी देले नर्स समस्तीपुर मुश्री घरारी स्थित नर्सिंग होम रे जड़े महिला नर्स दुष्कर्म उद्यम करथिबा डाक्तर प्राइवेट पार्ट को काटि दैछन्ती। बिहार समस्तीपुर जिलार एक आश्चर्यजनक घटना सामनाकु आसिछि। दुष्कर्म उद्यम करिवारु जड़े महिला नर्स डाक्तर प्राइवेट पार्ट को काटि दैथिले। बुधवार राति रे मुश्रीघरी थाना अंतर्गत गंगापुर पंचायत डेलीपोखर स्थित एक घरोई नर्सिंग सेंटर एक अभावनीय घटना घटि जाइछि। सूचना अनुसार डाक्तर तांको दुई साथी मदपी नर्स को नर्सिंग होम को डाकिथिले। तीन जन गण दुष्कर्म करने को चेष्टा करते नर्स मैंने मना करने राजी होन से निजक रक्षा करने डाक्तर प्राइवेट पार्ट को ब्लेड रे आक्रमण करते एथिरे डाक्तर प्राइवेट पार्ट रे आघात लगी नर्स जनक फेरार हो जाते डाक्तर साथी मैंने धरियापाई पीछा करते पीड़िता जा एक जनेरा क्षेत्र में लुचि रही है। खबर पाई डायल 112 टीम घटनास्थल में पहुंच नर्स को पड़िया बाहर करते एसएसपी संजय कुमार पांडे कहते जे पचराउचरा समय पीड़िता दुख दृश्य वर्णना करते यहपर एसपी निर्देश क्रमे घटनार तदंतपाई टीम तुरंत कार्यानुष्ठान आरंभ कर घटना समय डाक्तरखाना सीसीटीवी कैमेरा बंद था एसएसपी कहते एथु जमापड़े डाक्तर दुई सहयोगी गणदुष्कर्म पर षड्यंत्र करते डाक्तरखान रक्ताक्त पोशाक गोटे कार और मद बोतल और तीनो मोबाइल फोन जबत करपर नर्स को दुष्कर्म उद्यम अभियोग डेगड़ा निवासी डाक्तर और दुई सहयोगी को गिरफ्त कि हमारे साथ कोई अप्रिय घटना पुनः हो सकता है तत्काल थाना अध्यक्ष इसकी सूचना देते हुए और अपराध की घटना की संवेदनशीलता और गंभीरता को देखते हुए सूचित किए और वहां पर पीड़िता से जो एक जगह छिप के एक जनेर के खेत में मिली जो अपने बचाव हेतु छिपी हुई थी उसको लेकर के पीड़िता से जब पूछताछ की गई तो पीड़िता के द्वारा एक संज्ञेय घटना की सूचना दी गई। तत्काल एक टीम गठित की गई और टीम इस में काम में करने प्रारंभ की। इसकी सूचना पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर को भी दी गई। पुलिस अधीक्षक समस्तीपुर द्वारा एक टीम गठित कर करके इसको त्वरित रूप से अनुसंधान करने और कार्रवाई करने का निर्देश प्राप्त हुआ। इसी प्रक्रिया में पीड़िता द्वारा जानकारी दी गई कि एक हॉस्पिटल है जहां पर ये पीड़िता विगत 10-15 महीने से रह रही थी और वहां के एक डॉक्टर हैं। उस हॉस्पिटल का नाम है आरबीएस हेल्थ केयर सेंटर। ये अभी हॉस्पिटल पूरा पूर्ण रूप से नहीं है, कोई पेशेंट भी नहीं थे, लेकिन एक हॉस्पिटल बनाने की प्रक्रिया में है। कभी कभी साधारण इलाज यहाँ पर होते थे। वहाँ पर एक महिला जो स्टाफ थी उसके साथ रात में, जिसमें तथाकथित डॉक्टर हैं, फिजियोथेरेपिस्ट हैं और इलाज भी करते हैं, और इनके दो और साथी थे, ये तीनों मिलकर के शराब पी रहे थे। इसी क्रम में एक महिला को बुलाए जो स्टाफ थी, उसके द्वारा बचाव करने की पूरी कोशिश की गई और बताने की भी कोशिश की गई कि गलत है। उसके बावजूद भी डॉक्टर के द्वारा अप्रिय घटना करने के प्रयास के दौरान ही जब उसको नहीं हुआ तो उसको उन्होंने ब्लेड के अपने हाथ में लिए, एक ब्लेड से प्रतिरक्षा के रूप में या बचाव के रूप में डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट पर प्रहार की, जिसके बाद उसको छोड़ दिया गया। उसके साथ तो कोई अप्रिय घटना नहीं घट पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, जागृति लाइव मीडिया।